नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डिजिटल टेस्ट। नई दिल्ली, पूरे देश में चल रही लोकसभा चुनाव की जंग के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए रसाकसी जारी है। ऐसे में राजनेता एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है। नायडू ने जदयू के उपाध्यक्ष और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी का प्रचार देख रहे प्रशांत किशोर को बिहारी डकैत कह दिया। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आपराधिक राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। वह तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस के विधायकों पर कब्जा कर रहे हैं। नायडू ने कहा कि बिहारी डकैत प्रशांत किशोर ने लाखों वोट आंध्र प्रदेश से हटवाए हैं। नायडू के बयान का जवाब ट्विटर पर देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि एक अनुभवी नेता की द्वेषपूर्ण बातों से पता चलता है कि वो अपनी हार से किस कदर परेशान हैं। उनके बयान से पता चलता है कि बिहार के लोगों के लिए उनके मन में कितना पूर्वाग्रह है। प्रशांत ने कहा कि नायडू के बयान ने बिहार की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के बिना आधार वाले आरोपों से मेहरान नहीं हूं। अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने की जगह उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के लोग दोबारा उन्हें वोट क्यों दें। बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग होने के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग के पास 927,542 नाम हटाने की गुजारिश आई है। सबसे ज्यादा नाम हटाने का निवेदन आईएसआर कांग्रेस की तरफ से आया है।